हम स्विंग कंस्टेंट पे आते हैं। सबसे पहली चीज की आइडियल स्ट्रिंग का अजम्पशंस क्या होता है, आपको पता है आइडियल स्ट्रिंग के क्या अजम्पशंस होते हैं? यस सर, लेंथ कैनॉट बी इंक्रीज्ड। ठीक है, डिक्रीज कर सकते हैं उसको? नो, नॉन स्ट्रेचेबल। आइडियल स्ट्रिंग एक्सटेंसिबल एंड मसलेस। गुड। आइडियल स्ट्रिंग के अजम्पशंस इज द सेम एवरीवेयर। क्या क्या फिर से बोलिए। इज दैट टेंशन इज द सेम एवरीवेयर? दिस इज पार्टली ट्रू बट नॉट ऑलवेज। मतलब रोटेशनल मैकेनिक्स की जब आप बात करेंगे तो नहीं होगा। जैसे अगर स्ट्रिंग में अगर फ्रिक्शन में आ जाएगा तो भी नहीं होगा। तो आइडियल स्ट्रिंग जब हम कहते हैं तो पहली चीज ये होनी चाहिए कि बेसिकली फ्रिक्शन एब्सेंट होनी चाहिए आपकी, फ्रिक्शन जीरो होनी चाहिए। मतलब फ्रिक्शन या सरफेस ऑफ स्ट्रिंग लिख लेते हैं, सरफेस ऑफ स्ट्रिंग स्मूथ होना चाहिए, सरफेस ऑफ स्ट्रिंग स्मूथ होना चाहिए। दूसरा इनएक्सटेंसिबल होना चाहिए जो आपने ऑलरेडी बोला, और तीसरा मासलेस होना चाहिए। ये आइडियल अजम्पशंस ऑफ स्ट्रिंग है। हमारे लिए जो इस पर्टिकुलर जगह पे स्ट्रिंग का कंस्ट्रेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो इनएक्सटेंसिबल प्रॉपर्टी है। मतलब एक स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल होना इज द कंस्ट्रेंट ओवर हियर। मतलब स्ट्रिंग के अलग अलग एंड से आप डिफरेंट डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को कनेक्ट कर सकते हैं और उनको अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग वेलोसिटी से मूव करा सकते हैं। बट एक चीज आप ये ध्यान रखेंगे कि स्ट्रिंग का लेंथ कभी भी हमारा चेंज नहीं होना चाहिए। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे वो यही है कि ये इनएक्सटेंसिबल है। सो चेंज इन लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ये आपकी जीरो दिखनी चाहिए। सिंपल सा मतलब ये है, ठीक है? दिस इज स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट। अब इस पे बेस करके आपका कंस्ट्रेंट रिलेशन कैसे लिखा जाता है वो आपको सिखाते हैं। जैसे मान लो सिंपल से सबसे सिंपल सा सिचुएशन की बात करते हैं, जैसे ऐसे दिखाते हैं। इमेजिन करो कि आपके पास एक टेबल है, और इस टेबल के सरफेस पे मान लो हमने कुछ एक ऑब्जेक्ट को मान लो कनेक्ट करके रखा हुआ है। ऐसा कुछ है, मान लो यहाँ पे एक ब्लॉक है, मान लो ये एक ब्लॉक है, ये इधर से कनेक्टेड, इधर से एक पुली लगा दिया, ये पुली नहीं एक कांटी लगा देते हैं। और इधर से क्रॉस ओवर होके जाता है, ऐसे निकाल देते हैं। मान लो कि यहाँ से आपको एक एक्सटर्नल एजेंट इसको पुल कर रहा है, ठीक है? देखो आप तीन ब्लॉक्स मैंने दिखा रखे हैं, डायग्राम तो आपको समझ आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, इनको कुछ नाम देते हैं। लेट्स से दिस इज ए, लेट्स से दिस इज बी एंड दिस इज सी। हम सी को पुल कर रहे हैं बट कॉन्सिक्वेंटली ए बी सी तीनों ही पुल होगा ना, होगा नहीं होगा? यस सर। राइट, तो इस केस में क्या आप बी और सी को कनेक्ट करता हुआ जो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है क्या उसको चेंज कर सकते हैं? फिर ए से बी जो कनेक्ट करता हुआ जो स्ट्रिंग है क्या उसके लेंथ को चेंज कर सकते हैं? नहीं। तुम देखो अब इसी का अगर मैं टॉप व्यू आपको दिखाऊं, इसी का टॉप व्यू एक बार दिखाते हैं। मान लेते हैं कि हम इसको पुल कर रहे हैं, पुलिंग विद वेलोसिटी वी मान लेते हैं, पुलिंग विद वेलोसिटी वी लिख रहे हैं, ठीक है?
अब इसको मैं इसका टॉप व्यू दिखाता हूँ आपको, इसी डायग्राम का टॉप व्यू सोचो आप कैसा दिखेगा। टॉप व्यू में देखोगे तो आपको ए दिखना है पहले, फिर बी, फिर सी। ऊपर से देखोगे तो सिर्फ एक स्क्वायर बनाएंगे, थ्री डायमेंशनल फिगर की जरूरत नहीं हमें। यहाँ पे एक नेल है, फिर यहाँ पे एक नेल है, यहाँ पे एक और ब्लॉक है, यहाँ पे एक और ब्लॉक। इसको ए कह रहे हैं, इसको बी, इसको सी, और कनेक्शन कुछ ऐसा है। देखो तो डायग्राम समझ आ रहा है आपको, ये सेम ही सिचुएशन है ना, दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक है, अब सोचो कि हमने जो दिखा रखा है, हमने बोला है कि इसको हम पुल कर रहे हैं विद अ स्पीड v, तो ऑब्वियसली ये स्ट्रिंग भी आपका v से पुल हो रहा है ना, पुल हो रहा है नहीं? ये वाली स्ट्रिंग देखो तो v से पुल हो रही है। यस सर। अगर ये स्ट्रिंग v से पुल हो रहा है तो इसका मतलब ये भी इधर से v से पुल हो रहा है, हो रहा है? यस सर। इसका मतलब ब्लॉक b की भी जो वेलोसिटी है वो v ही रहेगी ना मैग्नीट्यूड में, राइट? और ब्लॉक बी के पीछे जो स्ट्रिंग है वो भी वी से ही पुल हो रहा है, हो रहा है? यस सर। तो ऑब्वियसली ब्लॉक ए भी आपका कितने से पुल हो रहा है? वी से ही पुल हो रहा है ना, वी से। समझ आ रही है? अभी किस बेसिस पे हमने कहा, सोचो अगर मान लो कि बी और सी के लेंथ को, बी और सी को कनेक्ट करता हुआ जो स्ट्रिंग है उसका लेंथ को अगर हमें फिक्स रखना है, तो जिस रेट से देखो जो इस पे काम करते हैं, यहाँ से इसको एक नेल के लिए n कह लेते हैं, let us say this is nail n1 and let us say this is nail n2, तो n2 से जो c का जो कनेक्शन है, n2 से जो c का कनेक्शन है वो वाला लेंथ देखो बढ़ रहा है, दिख रहा है आपको? n2 से c का जो लेंथ का कनेक्शन है वो लेंथ बढ़ रहा है ना? यस यस सर। ठीक है, क्योंकि जैसे जैसे c नीचे आएगा तो वो लेंथ तो बढ़ेगा ना आपका। यस सर। और देखो n2 से जो b का कनेक्शन है वो लेंथ देखो घट रहा है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. Yes, sir. तो जिस रेट से एक तरफ वो बढ़ेगा उसी तरफ से तो दूसरे उसी रेट से दूसरी तरफ तो उसको घटना भी पड़ेगा ना। Yes, sir. और अगर रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ लेंथ और रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ लेंथ सेम है, इसका मतलब दोनों तरफ का स्पीड भी तो सेम हुआ ना। Yes, sir. Yes, sir. तो ये बेसिकली आपका कंस्टेंट है, देखो कि देखो स्ट्रिंग के थ्रू हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली एक ऑब्जेक्ट का जो स्पीड है वो दूसरे एक ऑब्जेक्ट को हम क्या कर रहे हैं, दे रहे हैं इस स्ट्रिंग के कनेक्शन के थ्रू। वेलोसिटी दोनों का डिफरेंट है, डायरेक्शन में डायरेक्शन डिफरेंट है, बट अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग हम कह सकते हैं कि इस तरह का एंड टू एंड कनेक्शन में, जैसे एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, दूसरा ब्लॉक तीसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, और सारे एक स्ट्रिंग के एंड से दूसरे स्ट्रिंग के एंड के बीच में कनेक्टेड है, तो इस तरह के सिचुएशन में अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सबकी वेलोसिटी सेम होनी पड़ेगी। ये समझ आ रही है आपको? वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग सबकी सेम होनी पड़ेगी। Perpendicular to length of string, different velocity हो सकता है। Perpendicular to length of string, मतलब जैसे A को सोचो, किसी ने सोचो कि A को अगर ऐसा भी velocity देके छोड़ दिया था, तो इस अगर ये जैसे green arrow जो mark किया मैंने A की velocity के लिए, ये velocity उसको क्या करता, घुमाता ना, समझ आ रही है आपको? Yes sir. But क्या इससे length of string change होता? No sir. नहीं। No sir. तो इसका इस जो green वाला arrow mark कर रखा है वो perpendicular to length of string है, और perpendicular to length of string जो arrow mark कर रखा है उसका length of string को change करने में कोई role नहीं है, उसका सिर्फ you know उसका orientation को change करने के लिए role है। तो इसीलिए जब भी इस तरह का आपको end to end connection दिखे तो आपको क्या ध्यान रखना है, the component of velocity along the length of the string has to be identical। आपको समझ आई क्या बोला मैंने? समझ आई है? Yes, sir. ठीक है, so इसको ध्यान रखना है इन एंड टू एंड कनेक्शन, ये एंड टू एंड कनेक्शन के लिए है। एंड टू एंड कनेक्शन मतलब कि एक ब्लॉक एक स्ट्रिंग से कनेक्टेड है और उसी स्ट्रिंग का दूसरा एंड दूसरे ब्लॉक से कनेक्टेड है, तब के लिए। ठीक है, इन एंड टू एंड कनेक्शन बिटवीन ब्लॉक्स द कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी of objects
connected to string. Has to be identical. Component of velocity of the objects connected to string. Oh, component of velocity along the length of the string nahi likha maine. Ek minute, okay. In end-to-end connection between blocks, the component of velocity of the objects along the length of the string. Ye bhi hoga. Connected to string along the length of the string. Along the length of the string has to be identical. Okay. Let's read it. In end-to-end connection between blocks, the component of velocity of the objects connected to string along the length of the string has to be identical. Bas, okay, perfect. अब इसका एक एग्जांपल करके दिखाता हूं, फिर आपको समझ आएगा कैसे यूज करना है. जैसे इमेजिन करो, यहां पे एक ब्लॉक है, इससे कनेक्टेड यहां पे एक स्ट्रिंग, और ये स्ट्रिंग को इधर से लगा के यहाँ पे एक और ब्लॉक कनेक्ट कर दिया. ये ब्लॉक भी ये एंगल मान लो थीटा दिखा रखा है. इसकी वेलोसिटी मैंने दिखा रखी है वी ए, ए की वेलोसिटी को, और बी की वेलोसिटी को दिखा रखी है वी बी. और मैंने पूछा है वी ए और वी बी का रेशियो क्या होगा, कैसे निकालेंगे. End to end connection है, पहले ये चेक कर लो end to end connection है या नहीं है. देखो a का velocity अगर देखोगे तो towards the length of the string ही है ना, है ना. Yes sir. But क्या b का velocity towards the length of the string है? No sir. नहीं, तो इस केस में आपको क्या करना चाहिए था, component break करना चाहिए था towards the length of the string. तो ये angle तो already आपको दिख रही है, this is theta. तो VB का जो कंपोनेंट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग आएगा वो कितना आएगा, VB cos theta आएगा. यस सर. यस सर. और कंडीशन क्या लिखना चाहिए था हमें, VA शुड हैव बीन इक्वल टू, क्या लिखेंगे, VB cos theta. समझ आई? यस सर. यस सर. क्लियर है? यस सर. यस सर. ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं. देखो यहाँ पे मान लो ब्लॉक ए है, यहाँ पे ब्लॉक बी, और यहाँ पे मान लो ब्लॉक सी है. ठीक है, वर्टिकल से दोनों स्ट्रिंग की इंक्लिनेशन की थीटा दे रखी है. मान लो ब्लॉक ए को हम वेलोसिटी वी से पुल कर रहे हैं और ब्लॉक बी को भी वेलोसिटी वी से पुल कर रहे हैं, तो ब्लॉक सी कितनी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, इसको यू मान रहे हैं. आपको यू और वी का रेशियो पूछा गया है कि कितना आएगा. ठीक है, ये रेशियो निकालनी है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ यू एंड वी. पहले ये चेक करो कि कोई भी दो ब्लॉक देखो, ए और सी को देखो या बी और सी को देखो, क्या ये दोनों एंड टू एंड कनेक्शन में है या नहीं. दिख रही है आपको एंड टू एंड कनेक्शन है या नहीं? Yes. तो एंड सी सिंस ऊपर जा रहा है, देखो एंड सी जो है वो ऊपर जा रहा है, इसकी स्पीड हमने यू मानी है, तो किसी भी एक तरफ से देख लो, चाहे वो राइट का स्ट्रिंग देखो या लेफ्ट का स्ट्रिंग देखो, दोनों से एक ही बात आएगी. तो यू का कंपोनेंट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये कितना आएगा, यू कॉस थीटा आएगा ना, आएगा नहीं सर.
आप राइट से भी देखते तो सेम सिचुएशन ही बोलते, लेफ्ट से देखते तो भी सेम सिचुएशन है, किसी एक को ही कंसीडर करें क्योंकि दोनों सिमेट्रिकल ही है। तो u का कंपोनेंट टुवर्ड्स द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज u cos थीटा, तो ये u cos थीटा क्या v से मैच करना चाहिए नहीं करना चाहिए? क्यों? क्योंकि अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी कंपोनेंट सेम होने चाहिए। आई होप आपको बात समझ आ रही है। ठीक है ना? यस सर। एक गलती इसमें ये हो सकती है, गलती जो हो सकती है वो क्या हो सकती है अब आपको बताता हूँ। जैसे अगर किसी ने मान लो ऐसा सिचुएशन कहा, मैं अब दूसरे तरीके से आपको करके बता रहा हूँ। जैसे बी का वेलोसिटी नीचे की तरफ भी है, तो हम ये कह सकते हैं ना कि जो इंक्लाइंड स्ट्रिंग है वो भी जा रहा होगा विद स्पीड भी, कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं ना? यस सर। अब ये सोच के देखो, यही v को मैंने पिछली बार क्या किया था, u cos थीटा से इक्वेट किया था जो कि परफेक्ट है, बट उल्टा क्या करते अगर v की कंपोनेंट को अगर ले लेता कोई, अगर कोई सोचो कि अगर v का कंपोनेंट को ऊपर की तरफ ले लेता, तो अब क्या लिखता है ये v cos थीटा लिखता ना, लिखता नहीं लिखता? हां सर। और उस केस में वो क्या बोलता, v cos थीटा को u से मैच करना चाहिए? यस। अगर v cos थीटा को u से मैच कराओगे तो इससे तो आंसर अलग आएगा जो पिछली बार से डिफरेंट है, दिख रही है आपको? हां सर। यस सर। तो क्या गलती किया इसमें, इसमें क्या गलती? अलोंग द लाइन सर, अलोंग द लाइन नहीं है डायरेक्शन। देखो जैसे मैं बताता हूं क्या है, आपको मैंने क्या कांसेप्ट सिखाया कि वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये सेम होना चाहिए, मैंने आपको ये बोला था ना, है ना? तो सी का वेलोसिटी क्या यू कॉस थीटा था या यू था, आप ये सोच के देखो। यू था, तो उसका कंपोनेंट आप जिस भी डायरेक्शन में चाहो ब्रेक कर सकते हो। हाँ बोलिए, कुछ बोल रहे तो बोलिए, सर बोल के मत रुक जाइए। ये सर बोला है। अच्छा ठीक है, सो मैं ये कह रहा हूँ कि जो जो c का जो वेलोसिटी है वो वर्टिकली अपवर्ड्स है, इसीलिए उस वेलोसिटी का आप कंपोनेंट जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ब्रेक कर सकते हैं, परपेंडिकुलर टू लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ब्रेक कर सकते हैं, जिस डायरेक्शन में चाहे उस डायरेक्शन में ब्रेक कर सकते हैं। तो v जो है वो एक कॉम्पोनेंट ऑफ u ही है ना, जो u cos थीटा है, u cos थीटा को हमने v से इक्वेट किया था ना, किया था नहीं किया था? यस सर। सो v वाज एक्चुअली अ कॉम्पोनेंट ऑफ u। Yes, sir. और आपने yes, क्या sir. किया जब v को v cos theta लिखा तो आपने कंपोनेंट का भी कंपोनेंट ब्रेक किया ना? Yes, sir. Yes, sir. है ना? तो ये v cos theta equal to u लिखना ये टेक्निकली मिस्टेक इसलिए है क्योंकि जो u का डायरेक्शन ऑफ मोशन था वो ऊपर की तरफ था और उसका आप कॉम्पोनेंट जिस भी डायरेक्शन में चाहे उसको ब्रेक कर सकते हैं, बट u cos theta was along v and therefore v का जो v है वो खुद ही u है, u cos theta है, तो उसका कंपोनेंट आप फिर से ले रहे हो तो बेसिकली कंपोनेंट ऑफ अ कंपोनेंट लेने जैसा हो गया और यही बेसिकली मिस्टेक हो रही है यहां पे। आई होप यू आर गेटिंग दिस। ठीक है, तो ये नहीं करना आप। यस सर। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया कॉमन मिस्टेक है, सभी कोई करते हैं, बहुत कोई करते हैं, मतलब सभी तो नहीं बोलना चाहिए, बहुत लोग करते हैं, तो ये मिस्टेक नहीं करना। आप ये ध्यान रखना कि कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग ये इक्वेट करना है और उल्टा नहीं करना कि पहले अलोंग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी देख लिया कितना है और उसके बाद फिर ब्लॉक का डायरेक्शन से उसको कंपोनेंट लेके इक्वेट कर दिया, ये नहीं करना आपको। ठीक है, ठीक है। yes, okay. मैंने अभी जो दिखाया आपको वो एंड टू एंड कनेक्शन के केसेस दिखाए, एंड टू एंड कनेक्शन के मतलब एक एंड से दूसरा एंड कनेक्टेड है। अब डिफरेंट भी सिचुएशन हो सकता है जहां पे सर जस्ट वन थिंग, in the first one what you were explaining v is equals to u cos theta, I got it, u is pointing upwards makes an angle theta. That's why u cos theta over here in the first one, forget this v cos theta equals to u. Mm-hmm. I'm not asking about that. Just mm-hmm. in the first one, v is equals to u cos theta. Mm-hmm. You took u cos theta because that primarily that's along the length of the string, right? Mm-hmm. That's the component mm-hmm. of u along the length of the string. That's why. Mm-hmm. Yes. Okay, sir. Mm-hmm. And you didn't take v cos theta because that component ka component ho jata hai, no? Haan, haan, haan. Isliye nahi theek hai. Theek hai, theek hai. Thank you, sir. Component of a component which is not allowed. Haan, haan. कंपोनेंट का कभी कंपोनेंट नहीं लेते, ये ध्यान रखना। जो एक्चुअल क्वांटिटी है उसका कंपोनेंट ब्रेक कर सकते हैं बट कंपोनेंट का कंपोनेंट आप नहीं ले सकते, बस इतना याद रखना। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं।
अब मैं आपको ऐसा सिचुएशन देखता हूँ जहां पे एंड टू एंड कनेक्शन नहीं हो, ठीक है? जैसे इमेजिन करो, एक सिचुएशन दिखा रहे हैं आपको, लेट अस से यहाँ पे आपका कोई एक ब्लॉक है जो ए कनेक्टेड है, और यहाँ पे बी कनेक्टेड है, ठीक है? और अब उसने क्या कर रखा है, उसने कह रखा है कि मान लो ब्लॉक ए जो है वो नीचे की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए वन, एंड ब्लॉक बी ऊपर की तरफ जा रहा है विद सम एक्सेलरेशन ए टू, एंड दे हैव आस्क्ड अस ए वन इज टू ए टू, ये कितना होगा ये पूछा है उन्होंने, ठीक है? अब अगर आप नोटिस करोगे तो जो सबसे लंबा स्ट्रिंग है, देखो सबसे लंबा स्ट्रिंग है, उसका एक एंड ए से कनेक्टेड है, दिख रहा है आपको? Yes, sir. और दूसरा एंड देखो वो जाके वॉल में फिक्स हो गया है, दिख रहा है? Yes, sir. तो क्या ब्लॉक ए और ब्लॉक बी के बीच में क्या एंड टू एंड कनेक्शन है विद स्ट्रिंग? नो सर, नो। का मतलब यहाँ पे वो लॉजिक आप यूज नहीं करेंगे, ठीक है? यहाँ पे वो गड़बड़ नहीं करना कि ठीक है अलॉन्ग द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग वेलोसिटी सेम होना चाहिए, वो काम नहीं करेंगे आप। अब क्या करेंगे, मैं आपको एक बेसिक चीज पहले दिखाता हूँ कि कंस्टेंट रिलेशन निकालते कैसे है, उसके बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि एक शॉर्टकट भी होगा, वो बाद में करेंगे। पहले ये चीज सोच के देखो, मोशन की वजह से देखो, अभी देखो मैं एक येलो कलर से मैंने हाईलाइट किया एक लाइन को, देखो जो सबसे लेफ्ट वाला जो स्ट्रिंग है वो वाला लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या लंबा होगा या नहीं? अगर ब्लॉक ए नीचे गिर रहा है तो क्या लेंथ वो लंबा हो रहा है? येलो कलर से हाईलाइट किया, यस सर, यस सर, दिख रही है? तो इससे स्ट्रिंग क्या हम लंबा कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ? टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हम लंबा कर सकते हैं? हां सर, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग क्या हम टोटल नहीं कर सकते? नहीं कर सकते, टोटल लेंथ ऑफ स्ट्रिंग लंबा नहीं कर सकते। एक पार्ट का कर सकते हैं, एंड पे मुझे अगर लंबा होता हुआ दिख रहा है तो बाकी किसी दूसरे एंड पे मुझे उसको छोटा करना है, यस सर, राइट, ताकि लेंथ ऑफ स्ट्रिंग आपका कांस्टेंट रहे। तो अब देखो मैंने यहां पे क्या किया, अब देखो मैं दो लाइन मार्क कर रहा हूँ, फिर से देखो आप, देखो ऑरेंज कलर से मैं मार्क कर रहा हूँ, ठीक है? देखो अगर पुली ब्लॉक बी ऊपर जाता है तो जो राइट वाला जो दोनों स्ट्रिंग दिख रहा है देखो, तो वो छोटा होगा या नहीं? Yes, sir. Yes, sir. दिख रही है आपको? तो वो ब्लॉक बी के ऊपर जाने से एक साइड का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अफेक्ट हो रहा है या दो साइड का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अफेक्ट हो रहा है? दो साइड, दोनों साइड का। जबकि ब्लॉक ए के नीचे आने से एक साइड का लेंथ ऑफ स्ट्रिंग अफेक्ट हो रहा है, राइट? यही आपका कंस्ट्रेंट का तरीका हो गया। अब आपके पास कंडीशन क्या हो गया, देखो जैसे अगर मैं इसमें थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन अगर शो करता हूँ, जैसे यहाँ पे सोचो मैंने ब्लॉक ए को थोड़ा सा नीचे गिरा दिया, इमेजिन करो, ठीक है? ब्लॉक ए कम्स डाउन मान लेते हैं, ये ब्लॉक ए नीचे आ चुका है, एंड ब्लॉक बी को मान लेते हैं हम ऊपर भेज देते हैं, ठीक है? मतलब पुली के साथ ही, पुली का पूरा अरेंजमेंट ही है, दिस हैज गॉन अप, ठीक है? अब ये सोच के देखो, अगर मैंने बोला है ब्लॉक बी जितना शिफ्ट करेगा पुली भी तो उतना ही शिफ्ट करेगा ना, क्योंकि उन दोनों के बीच में एंड टू एंड कनेक्शन है, यस सर। तो ये लेंथ को मान लेते हैं, हमने मान लिया है, लेट अस से दिस लेंथ इज x2, एंड ब्लॉक ए जितना डिस्टेंस नीचे गिरा है, ब्लॉक ए जितना डिस्टेंस नीचे गिरा है, ये डिस्टेंस को मान लेते हैं x1, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग रिमेनिंग फिक्स्ड, डेल्टा l से 0 होना चाहिए। इससे कंडीशन क्या निकल रहा है, लंबा कितना हुआ ये x1 से और छोटा कितना हुआ है वो 2x2 से, व्हेन ही हुआ? यस सर, यस सर, समझ आ रही है सभी को? यस सर। अब इसी को एक बार डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम आपको क्या मिलेगा, डी एक्स वन बाई डी टी इज इक्वल टू डी सॉरी ट्वाइस ऑफ डी एक्स टू बाई डी टी। इसका मतलब क्या मिल गया, वी वन इक्वल टू टू वी टू, मिला ना? मिला, यस सर। एंड देयरफॉर अगर एक्सेलरेशन का रिलेशन भी देखोगे तो वही तो आएगा ना, एक बार और डिफरेंशिएट करोगे क्या आएगा, ए वन इक्वल टू टू ए टू आ जाएगा, आएगा? यस सर, यस। समझ आई सभी को? यस सर। इसका मतलब a1 a2 का जो रिलेशन हमसे पूछा था, a1 a2 का जो रिलेशन पूछा था वो कितना आ गया, 2 आ गया ना? समझ आई है? यस सर, यस सर, ठीक है।
तुम एक चीज नोटिस करो, अभी तक मैंने जितने भी एक्सेलरेशन या वेलोसिटी के रिलेशन निकाले, चाहे वो रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट का था, चाहे स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट का था, मैंने कहीं पे भी मास यूज किया क्या कि कितने मास का ऑब्जेक्ट है? नो सर। आप देख रहे हो? तो मास से कोई लेने देना नहीं है इनको। ये रिलेशन जो है, रिलेशन बिटवीन एक्सेलरेशन या रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी is independent of the masses of the object. तो कभी भी ये relation अगर जरूरत पड़े ना, सिर्फ ratio चाहिए a1 a2 का या v1 v2 का, तो कभी भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है कौन हैवी है, कौन लाइटर है, कौन कितने मास का है, ये सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मास का constraint नहीं है, ये या तो rigid body का constraint है या फिर string constraint है, और उनको मास से कोई लेने देना नहीं है। आपको समझ आ रही है चीजें? Yes, sir. Yes, sir. So this has nothing to do with the object. Okay, अब इसको करने का देखो, मैं आपको एक शॉर्टकट तरीका दिखाता हूँ, अब इसको एक ऑल्टरनेटिव तरीके से दिखाता हूँ। देखो, अब इतना कुछ करना नहीं है, अब डिस्प्लेस प्लेस कुछ नहीं करेंगे। Now we won't displace any of the object. ठीक है, अब इसमें क्या करना है, जस्ट इसमें एक मैकेनिक्स का एक कंसेप्ट जस्ट आपको यूज करना है। जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट पे जब हम नेट फोर्स लिखते हैं तो नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं ना, पता है आपको? यस सर। लिखते हैं नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। पुलिस के साथ एक आइडियल अजम्पशन होती है हमारी, पुलिस के लिए साथ हमारी एक आइडियल अजम्पशन होती है कि पुलिस को हम हमेशा मासलेस ट्रीट करते हैं। पुलिस को मासलेस ट्रीट करते हैं अंटिल एंड अनलेस उसका मास दिया हुआ है, ठीक है, पुलिस को मासलेस ट्रीट करके चलेंगे। अगर पुलिस मासलेस है तो पुलिस के ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। यस सर, होना चाहिए। यस सर। तो इस केस में देखो, पुली के लिए हमेशा आपको दिखेगा ना कुछ फोर्सेस, कुछ टेंशन जो है, मतलब कुछ स्ट्रिंग ऊपर की तरफ कनेक्टेड है, कुछ स्ट्रिंग नीचे की तरफ कनेक्टेड है। तो ऊपर से जितना पुलिंग फोर्स मिलेगा और नीचे से जितना पुलिंग फोर्स मिलेगा, इन दोनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? क्यों? क्योंकि पुली मासलेस है, राइट? यस सर। ठीक है, अब एक कंसेप्ट आपको दिखा रहा हूं, देखो यहाँ पे। सो हमारा अजम्पशन क्या है कि आइडियल पुलिस आर मासलेस, ठीक है, आइडियल पुलिस आर मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। एंड इससे आपको ये कंक्लूजन निकलेगा, नेट फोर्स ऑन पुली जब भी निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन एनी पुली, दिस विल ऑलवेज बी इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब इस कंडीशन को यूज करके देखो मैं क्या कर रहा हूँ। जैसे स्ट्रिंग में कुछ कुछ टेंशन में मान रहा हूँ, ठीक है, अब जैसे यहाँ चेक करो, जैसे यहाँ पे मान लिया टेंशन T1 है, यहाँ पे भी T1, यहाँ पे भी T1, नीचे वाले में T2 मान लिया, ठीक है। टेंशन जो होती है वो एक पुलिंग फोर्स होती है, ये बेसिकली क्या होता है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है। जैसे अगर सोचो कि एक स्ट्रिंग है, जैसे इसको ऐसे सोच के देखो, जैसे यही स्ट्रिंग है हमारा, और इस स्ट्रिंग को मान लो दो एंड पे पकड़ के कोई खींच रहा है, ऐसे खींच रहा है, दोनों एंड पे पकड़ के खींचा जा रहा है। तो खींचने से बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसके बीच में जो एटम्स है उनके बीच की सेपरेशन को हम इंक्रीज करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वी आर ट्राइंग टू इंक्रीज द सेपरेशन, इजंट इट? तो जब हम इसके बीच की सेपरेशन को अगर इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं, तो इस केस में इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो किसके थ्रू है? इलेक्ट्रॉन के थ्रू ही है ना, इलेक्ट्रॉन क्लाउड के शेयरिंग के थ्रू ही है, yes, है ना? तो ये किस तरह का इंटरेक्शन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है, राइट? तो ये इसको जब हम इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं इनके बीच की लेंथ को, तो वो क्या करता है, उनको रेजिस्ट करता है पुल करके। तो ये जो पुलिंग फोर्स हमने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रखा है, मैक्रोस्कोपिक मतलब ओवरऑल जो दिखा रहे हैं, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे नहीं, मैक्रोस्कोपिक लेवल पे दिखा रहे हैं, तो हम इसको खींच रहे हैं, तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट कर रहा है अंदर की तरफ रखने के लिए, मतलब इनके बीच के सेपरेशन को चेंज नहीं करने के लिए, उस पुलिंग फोर्स को हम क्या कह रहे हैं, टेंशन कह रहे हैं। तो टेंशन हमेशा कैसा दिखेगा आपको, एक पुलिंग फोर्स की तरह दिखेगा, इट विल ऑलवेज एक्ट एज अ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, जिस भी ऑब्जेक्ट पे दिखाओ। तो जैसे अगर हम टेंशन का डायरेक्शन बोले तो हमेशा ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, ये ध्यान रखना, जिस पे भी दिखाएंगे ऑब्जेक्ट स्पेसिफिक दिखाएंगे। जैसे अगर मैं बोलूं T2 ब्लॉक बी पे किधर लग रहा है, ब्लॉक बी पे किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, यस सर। बट पुली पे किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यस सर। आपको समझ आ रही है? समझ आ रही है? टेंशन हमेशा पुल करता है ऑब्जेक्ट को, ये ध्यान रखना, हमेशा पुलिंग फोर्स की तरह। सेम लॉजिक पे अगर T1 पुली पे दिखाएं तो ये ऊपर की तरफ दिखाएंगे आप, दिखाएंगे नहीं दिखाएंगे? यस सर।
अब ये सोचो, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस वाले ये वाला जो अपना सॉरी ये वाला जो अपना पुलिस सिस्टम है, इसके लिए अगर ये वाला कंडीशन को यूज करें, नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, तो क्या कंडीशन आ रहा है बताओ मुझे? 2T1 equals to T2. 2T1 equal to T2. आ रही है नहीं आ रही है? Yes, sir. आ रही है? मतलब अब आपको अलग अलग टेंशन लेने की जरूरत नहीं है एक जगह. जैसे अगर मैं नीचे वाले में, अगर ऊपर वाले में टी मानता तो नीचे वाले में डायरेक्टली 2T लिख सकते थे ना? Yes, sir. लिख सकते थे? I hope you're getting this. Yes, sir. ठीक है. अभी देखो आप, ब्लॉक ए के साथ जो टेंशन है वो ऊपर की तरफ है T1 का, दिख रहा है आपको? बट उसका एक्सेलरेशन किस तरफ है? नीचे की तरफ है. दिख रहा है आपको? दिख रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं इनमें वेलोसिटीज भी अगर मार्क करता, जैसे मान लेते हैं कि वेलोसिटीज भी अगर होती है ऐसी, जैसे वेलोसिटी मान लेते हैं ए का नीचे की तरफ V1 है एंड बी का ऊपर की तरफ वेलोसिटी V2 है, तो अगर मैं बोलूं पावर सप्लाइड बाय द टेंशन टू द कंबाइंड मास सिस्टम ए एंड बी को इंक्लूड करके, इंडिविजुअली पावर नहीं, मतलब कंबाइंड मास सिस्टम की बात कर रहे हैं, मतलब ए और बी का पूरा मिलाकर सिस्टम बन रहा है, उस सिस्टम में टेंशन ने नेट पावर कितना सप्लाई किया? तो देखो टेंशन जो है वो नेट कोई पावर सप्लाई नहीं कर सकता इस केस में. क्यों? क्योंकि स्ट्रिंग का जो कंस्ट्रेंट है वो एक तरफ अगर लेंथ कॉन्ट्रैक्ट होती है तो दूसरी तरफ लेंथ क्या होती है? स्ट्रेच होती है. तो इससे क्या होता है कि एक साइड में वो अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो दूसरे साइड में वो नेगेटिव वर्क करता है इक्वल अमाउंट का. तो नेट वर्क डन बाय टेंशन जब हम कैलकुलेट करते हैं ना इस तरह के सिस्टम में, तो फिर उस तरह के सिचुएशन में हमेशा ही नेट वर्क डन बाय टेंशन आपका जीरो आता है. और वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं? F.dr करके. और इसी को जब आप dt से डिवाइड कर दोगे क्या मिल जाएगा? F.v मिल जाएगा. तो F.v क्या होता है? पावर होता है. पावर होता है. तो पावर का जो सम है, मतलब टेंशन जो पावर सप्लाई कर रहा है इस पूरे सिस्टम में, उसका जो सम है वो बेसिकली आपका जीरो होना चाहिए. सिंपल सा लॉजिक यही है. इसको हम वर्चुअल वर्क मेथड कहते हैं. वर्चुअल वर्क मेथड, ये जो अब मैं आपको मेथड दिखाने वाला हूँ ये काफी सिंपल सा है, समझने के लिए बस आपको इतना मेहनत करना पड़ा है. बट बाकी अब नेक्स्ट टाइम से जब लिखेंगे तो एक लाइन में आंसर लिखेंगे. देखो सो अब हम क्या कह रहे हैं कि नेट पावर सप्लाइड बाय टेंशन ऑफ स्ट्रिंग्स टू द कंबाइंड मास सिस्टम has to be zero and therefore P net equal to zero लिखते हैं. और P net equal to zero मतलब P1 plus P2 इसका value आपका zero आना चाहिए, मतलब दोनों block के लिए individual लिखेंगे. तो power कैसे लिखते हैं? tension dot velocity के लिए तो आप लिखेंगे T1 dot V1 plus T2 dot V2 equal to zero लिखेंगे. अब check करो block A के लिए, check करो टेंशन जो है वो ऊपर की तरफ है और वेलोसिटी नीचे की तरफ है, दिख रहा है? तो डॉट प्रोडक्ट नेगेटिव आएगा ना? यस सर. तो क्या लिखेंगे आप यहाँ पे? माइनस ऑफ T1 V1. बट दूसरा जो ब्लॉक बी है उसके लिए टेंशन भी ऊपर है और वेलोसिटी भी ऊपर है, दिख रहा है आपको? यस सर. T2 V2 आएगा इक्वल टू जीरो. और फाइनली अगर आप देखोगे तो रिलेशन क्या बन रहा है? T2 जो है ऑलरेडी 2T1 था ये आपको पता है, तो यहाँ पे माइनस या रादर इसको ऐसे लिखे तो T1 V1 इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ T1 इतना समझाने के लिए मैंने किया, इसलिए इतना लंबा दिख रहा है. बट आपको नेक्स्ट टाइम से जब करना हो तो इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ टेंशन की वैल्यू को डिस्ट्रीब्यूट करनी है, उसके बाद ये चेक करना है कि टेंशन जो है वो वेलोसिटी की डायरेक्शन में है या उल्टे है. अगर टेंशन वेलोसिटी की डायरेक्शन में है तो डायरेक्टली टीवी कर लेंगे, और टेंशन अगर वेलोसिटी के उल्टे तरफ है तो माइनस ऑफ टीवी करेंगे, एंड फिर सम करके इक्वल टू जीरो कर देना है. समझ आया? यस सर. ठीक है. अब इसी को देखो मैं एक एग्जांपल में वापस से यूज करके दिखाता हूँ. ये जो है ये हर जगह आप यूज कर सकते हैं. जैसे इधर भी देखो मैं आपको यूज करके दिखाता हूँ. सर एक चीज, वो टेंशन का डायरेक्शन अगर बोलती है ना कब टेंशन, तो पुलिंग फोर्स की तरह होता है. टेंशन खींचता है ना, आप अगर एक स्ट्रिंग से लगा के किसी चीज को खींचते हो तो टेंशन का डायरेक्शन किस तरफ होगा? पुलिंग फोर्स की तरह ही होगा ना. अरे टेंशन तो हमेशा खींचेगा ना. हाँ सर.
खींचने के लिए यूज करते हैं। आप स्ट्रिंग से किसी चीज को बांधते हैं तो खींचते हैं या धक्का देते हैं स्ट्रिंग से? खींचते हैं। हाँ, जब अगर आपने किसी चीज को डायरेक्शन में अगर टेंशन को पुश की तरह दिखा दिया तो समझ लेना कि आपने एक ऐसा स्ट्रिंग बना दिया जिससे आप पुश कर सकते हैं, मतलब बांधा स्ट्रिंग से और उसे पुश कर दिया ऐसे। ठीक है, टेंशन ऑलवेज एक्ट्स एज अ पुल ऑन द ऑब्जेक्ट, और पुल मतलब अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पुल मतलब क्या है, अवे या टूवर्ड्स? जैसे आप खींचते हैं किसी चीज को तो अवे मतलब ऐसे खींचते हैं या फिर ऐसे खींचते हैं। जैसे मेरे पास ये ऑब्जेक्ट है, मैं बोल रहा हूँ इसको खींचना है, तो खींचने के लिए आप ऐसे खींचोगे या ऐसे खींचोगे? Towards. हाँ? Towards तो आएगा। Away from the object. Away बोलते हैं, away from the object. Pulling is always away from the object. Pushing is towards the object. Push is towards the object. Pull is away from the object. हाँ। अरे गाधा गोबर, सुनते पाचीज? पुश इज ऑलवेज टुवर्ड्स द ऑब्जेक्ट एंड पुल इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। इसी को देखो, अभी मैं यहाँ पे यूज करके अगर देखता, इस एग्जांपल में देखो, अगर इस कंसेप्ट को यूज करते तो देखो अगर मैच करता है नहीं करता। अगर यहाँ पे टेंशन दिखाते, अगर सोचो इसी में, इस डायग्राम को फिर से एक बार ड्रॉ करना पड़ेगा, यहाँ पे कर देते। जैसे देखिए, मैं रुकिए, मैं आपको यहाँ पे भी यूज करके दिखा रहा हूँ उसको। अब देखो यहाँ पे टेंशन में डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ, चेक करो, यहाँ पे पुलिंग फोर्स टेंशन का टी, यहाँ पे भी पुलिंग फोर्स टेंशन का टी, और एक सिंगल स्ट्रिंग में आप टेंशन हर जगह सेम दिखाते हैं, तो यहाँ पे भी मैंने यहाँ पे टी दिखा रखा है, ठीक है, यहाँ पे भी टी दिखा रखा है। तो नेट टेंशन जो सी पे लग रहा है वो वर्टिकली अपवर्ड्स लग रहा है, 2t cos थीटा का, दिख रही है आपको? यस सर। ठीक है, अब देखो 2t cos थीटा यू के डायरेक्शन में है ना, दिख रही है आपको? यस सर। तो आप क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2t cos थीटा into u with a plus sign, है ना? Right? Yes sir. Yes sir. और दोनों ब्लॉक के लिए देखो t और v ऑपोजिट है, तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, माइनस ऑफ tv, और ऐसे तो दो ब्लॉक है, इंटू टू, है ना, दो ब्लॉक है इसलिए इंटू टू, दिस इज इक्वल टू जीरो। देखो t कैंसिल आउट हो गया, 2v कैंसिल आउट हो जाएगा, और देखो यहाँ पे रिलेशन क्या आ गया, v इक्वल टू यू कॉस थीटा, दिख रही है, दिख रही है आपको? यस सर। यस सर। यस सर। देखो यहाँ पे भी यूज कर सकते थे, आप यहाँ पे भी चेक करो, अगर यहाँ पे टेंशन t है, यहाँ पे भी टेंशन t है, तो टेंशन का जो कंपोनेंट है ऑपोजिट टू vb वो कितना है, t cos थीटा आपको दिख रहा है? Yes, sir. तो कंडीशन आप कैसे लिखते हैं, टी इंटू वी ए विथ अ प्लस साइन एंड माइनस ऑफ टी कॉस थीटा इंटू वी बी, दिस इज इक्वल टू जीरो। समझ आ रही है? देखो टी और टी कैंसिल आउट हो गया, देखो क्या आ गया, वी ए इक्वल टू वी बी कॉस थीटा, दिख रही है? यस सर। ठीक है, तो एक तो आपका एंड टू एंड कनेक्शन में भी ये वर्क कर रहा है, और एंड टू एंड कनेक्शन नहीं होगा तो भी वर्क करेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और एग्जांपल आपको लास्ट करके दिखाते हैं। Thank you.
मान लो ये ए बी एंड सी तीन ब्लॉक्स है, ठीक है, और मान लो इनके वेलोसिटीज को मैंने ऐसे वैल्यूज दे रखा है, लेट अस से दिस इज वी वी ए, से दिस इज वी बी एंड से दिस इज वी सी, ठीक है। अब आपको पूछा है वी ए वी बी और वी सी के बीच में रिलेशन क्या होगा, तीन ब्लॉक्स है इस बार, सेम लॉजिक होल्ड करेगा, ठीक है। आप यहाँ पे टेंशन दिखाओ, यहाँ टेंशन टी, यहाँ पे भी टेंशन टी, सेम स्ट्रिंग है ना इसलिए, और यहाँ पे टी है, यहाँ पे भी टी है, तो ऑब्वियसली नीचे में टूटी हो जाएगा, तो यहाँ पे आप टूटी दिखाएंगे, समझ आएगी आपको, देखो सबको समझ आ रही है, देखो सबको समझ आ रही है, यस सर, यस। अब टेंशन और वेलोसिटी देखो किसके लिए सेम डायरेक्शन में, ए और बी के लिए सेम डायरेक्शन में, दिख रही है आपको, और सी के लिए जो है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में आपको दिख रहा है, यस सर, ठीक है ना। तो इस केस में आप क्या लिखोगे, दिस विल बी टी इंटू वी ए विद अ प्लस साइन प्लस टी इंटू वी बी विद अ प्लस साइन एंड माइनस ऑफ 2t इनटू vc इक्वल टू 0, t कैंसिल आउट हो गया और देखो आपके पास रिलेशन आ गया va plus vb that is equal to twice of vc आ गया, got it? Yes sir. अगर इसी को डिफरेंशिएट कर देते एक बार और तो आपको एक्सेलरेशन का भी रिलेशन मिल जाता, x एक्सेलरेशन ऑफ a plus एक्सेलरेशन ऑफ b will be equal to twice of acceleration of c, समझ आई? Yes. समझ आई है? Yes sir. तुम देखोगे yes, तो बार बार मैं एक चीज पे एम्फेसाइज करने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे कि ब्लॉक का मास से कोई लेने देना नहीं है, मैं चाहता तो मास कुछ लिख देता यहाँ पे 1 kg 2 kg 3 kg बट वो अननेसेसरी कंफ्यूजन के लिए, मासेस का यहाँ पे कोई रोल नहीं है क्योंकि स्ट्रिंग का कंस्टेंट लगा रहे हैं, स्ट्रिंग का कंस्टेंट के लिए मास को कोई लेने देना नहीं है, ठीक है ना? Yes, sir. ठीक है, सो दोनों टाइप ऑफ कंस्टेंट मैंने आपको बता दिया, एक रिजिड बॉडी कंस्टेंट भी आपको बता दिया है और एक आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट भी बता दिया है, ठीक है। असाइनमेंट में शायद आपको ऐसे क्वेश्चंस मिले होंगे ना जहाँ पे ब्लॉक्स मतलब रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट लगाना था, मिला था आपको? असाइनमेंट में रिजिड बॉडी कंस्ट्रेंट का कुछ था क्या क्वेश्चन? नहीं था? No sir, I didn't find any. No. एक था. पिछला से मतलब लास्ट डे जो मैंने आपको दिया था वो नहीं, उससे पहले जो दिया था उसमें वो आकाश, हाँ वो उसमें ऐसे एक रॉड स्लाइड कर रहा था ऐसे वाला, हाँ एक था, हाँ एक था, ये रॉड स्लाइड करने वाला तो था ही, यस सर वो, हाँ था सर, हाँ यस। अमान आपको याद नहीं है, पढ़ाई नहीं कर रहे ध्यान से, आई डिड अंडरस्टैंड, आई जस्ट लुक्ड एट इट, वी हैवंट कवर्ड इट नाउ, सो आई डिड अंडरस्टैंड। अच्छा एनीवेज चलो ठीक है, आपको ये वाले जो स्ट्रिंग कंस्टेंट मैंने बताया, ये स्ट्रिंग कंस्टेंट का रिलेशन आपको मतलब ये न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में आपको ज्यादा एप्लीकेशन दिखेगा, बट सिंस मेरे को रिजिड बॉडी कंस्टेंट यहाँ पे बताना ही था तो मैंने आपको स्ट्रिंग कंस्टेंट भी यहाँ पे बता दिया, तो ठीक है। तो ये स्ट्रिंग कंस्टेंट में आपको नेक्स्ट चैप्टर जो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन है वहां पे आपको नहीं बताऊंगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है।